वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान, जो आवश्यक रिक्वायरमेंट थी उसके अनुसार अनुपूरक बजट रखा गया है। 7,300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। महतारी वंदन योजना के लिए 4,900 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आवास योजना और नियंत्रण नीला और योजना, रामलला दर्शन योजना, जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी सम्मान निधि भी बजट में शामिल है। चाहे चरण पादुका की बात हो या अन्य कोई बात हो, ऐसे अनिवार्य विषयों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। सुशासन के लिए हमारी सरकार समर्पित है। केंद्रीय बजट में भी आज विकसित भारत बनाने के लिए कई संकल्प लिए गए। केंद्र के विजन से कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट एक रोड मैप है कि छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ाए। पक्ष विपक्ष के अच्छे थॉट्स के मेल के साथ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। सदन में अलग अलग पदों में भर्ती का गूंजा मामला। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, 8 महीने में कई भर्तियां निकली हैं, कई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। 2003 से 2018 तक 1,01,000 सीटों में भर्ती हुई है। पिछले 5 सालों में केवल 19,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है। भाजपा भर्ती के मामले में भी आगे रही है। कैबिनेट में चर्चा की गई है और आने वाले 5 साल में कई भर्तियां की जाएंगी। जी काफी हम एग्रेसिव होकर आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि आज आईटी सेक्टर को लाना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है। दूसरे राज्य सरकारें होती हैं जो बहुत कुछ ऑफर करती हैं, जिससे आईटी सेक्टर वहाँ जाना चाहता है। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए हमने बड़े ग्रुप्स जैसे टेली परफॉर्मेंस, रेडिकल माइंड्स जैसे कंपनियों से लगातार हमारी बात हो रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लग एंड प्ले मॉडल पे नवा रायपुर में अटल नगर में आईटी सेक्टर आ पाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार के 1 साल के भीतर हम कई हजार युवाओं को इस दिशा में काम दे पाएंगे, ये पूरा विश्वास है। इसके लिए पूरी शिद्दत और प्रतिबद्धता से तेजी से काम चल रहा है। चंद महीनों में भी आईटी सेक्टर में छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को क्वालिटेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। इसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। एक आखिरी बात, लोन जो आपकी सरकार ने 8 महीने में लिए, उसको उस पर काफी आलोचना हुई आपकी सरकार की, आपने अपनी बात रखी है, क्या फर्क है आपका? जी विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जो वित्तीय नॉर्म्स होते हैं उसमें FRBM एक्ट के तहत जो स्टेट की GSDP होती है उसके 3% तक 1 साल में लोन लिया जा सकता है। हम 5 सालों तक पूरा इसका पालन अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे। टोटल लोन GSDP का 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए, फिनेंस कमीशन का ये मापदंड होता है। वो हम पूरा 5 साल, जब हमारी सरकार के का 5वां साल भी होगा, हम इसे सुनिश्चित करके दिखाएंगे। और डेट टू रेवेन्यू रिसीट का एक बड़ा क्राइटेरिया होता है, उसे भी सिंगल डिजिट में हम मेंटेन करके 5वें साल तक करके दिखाएंगे, जबकि ऑल स्टेट एवरेज 12-13% का है। तो सारे फिनेंशियल प्रूडेंस को हम सुनिश्चित करेंगे। और पिछले 5 सालों में माफिया राज के कारण छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के खजाने को बहुत नुकसान हुआ है। चाहे GST की मैं बात करूं, 2 GST कमिश्नर कांग्रेस काल कैसे रहे, जो आज जेल की सलाखों के भीतर बंद हैं। एक्साइज में किस तरह से नकली होलोग्राम और कैश में बिक्री करके किस तरह का माफिया राज चलाया गया, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। न्यायालय में सब विषय आ चुके हैं, ED, ACB, EOW जांच एजेंसियों पर आरोप कांग्रेस के लोग लगाते हैं। मामला तो न्यायालय का है, अगर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो न्यायालय पर एक तरह का आरोप है। न्यायालय से उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, हर चीज़ साक्ष्यों के आधार पर होता है। चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। तो इस तरह के सिचुएशन में जिन्होंने माफिया राज चलाया है, चाहे GST हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे और कोई भी विषय हो, माइनिंग के विषय हो, कोल का विषय हो, जिन्होंने ऑफलाइन सिस्टम कर रखा था उसे ऑनलाइन सिस्टम करने के लिए सरकार ने काम किया है। तो जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं उसे कम करने के लिए, और जहाँ पे बेहतर गवर्नेंस से टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव किया जा सकता है, बिना छोटे व्यापारियों, बिना छोटे करदाता को परेशान किए, ईमानदार टैक्स पेयर को प्रमोट करते हुए, उसको विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। जी 8 महीने में भी कई सारी भर्तियां निकली है, लगभग 3,000 से अधिक पोस्ट सैंक्शन हुए हैं, कई भर्तियों की प्रक्रिया चालू भी हो रही है, बहुत तेज़ी से आगे काम इस पर भी होगा। लेकिन मैं डेटा देना चाहूँगा कि जो 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने 1,01,000 शिक्षकों की भर्ती की, जबकि पिछले 5 सालों में लगभग 19,000 शिक्षकों की ही भर्ती कांग्रेस की सरकार द्वारा की गई है। उस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी भर्ती युवा भाई बहनों के दृष्टि से भर्ती करने के मामले में भी हमेशा आगे रही है। और इन 5 सालों में भी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उचित समय पर सरकार निर्णय लेगी। कैबिनेट में भी इस विषय को रखा गया है,
कैबिनेट में भी इस विषय पर चर्चा हुई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी के समक्ष पूरे कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई है। और सरकार के निर्णय लेते ही हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इन 5 सालों में कांग्रेस की तुलना में कई गुना ज़्यादा भर्तियाँ होंगी जी। एक सामान्य परिपाटी के तहत जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें, उसके लिए अनुपूरक बजट लाते हैं। वित्तीय अनुशासन को देखते हुए हमने इसका साइज काफ़ी छोटा रखा था और 7,329 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आज सदन में हमने प्रस्तुत किया वित्त मंत्री के रूप में। और इसमें से 4,900 रुपए महतारी वंदन योजना, जो हमारी सरकार की का एक सबसे बड़ा कमिटमेंट में से एक है, उसे पूरा करने के लिए 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उसके अलावा जो आवास योजना है, जो हमारी नियत नेलालाल योजना जो बस्तर क्षेत्र के लिए है, कि जो रामलला दर्शन योजना के लिए है जो राशि की ज़रूरत थी, जो जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र सेनानी सम्मान के लिए उनके पेंशन के लिए जो प्रावधान हैं, इस तरह के प्रावधानों को हमने शामिल किया है। नया रायपुर में इंक्यूबेशन सेंटर की बात हो या जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले साथियों के लिए जो चरण पादुका की बात हो, इस तरह के अनिवार्य विषयों को हमने सम्मिलित किया है। और साथ में कांग्रेस जो 5 सालों से भ्रष्टाचार पर, माफिया राज पर आधारित शासन चला रही थी, उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हम लोग जो जो प्रयास कर रहे हैं, उसकी भी बातें हमने सदन के समक्ष रखी हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और आज केंद्रीय बजट भी जैसा कि प्रस्तुत हुआ है, उसमें भी आदिवासी भाइयों के लिए, कृषकों के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए बहुत सारे संकल्प हैं, बहुत सारे वादे हैं। 11,11,111 करोड़ के कैपेक्स की बात, स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस के लिए 1,50,000 करोड़ की बात वहाँ पर भी है। तो केंद्र के विजन से कदम ताल करते हुए, उससे मैच करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और विजन डॉक्यूमेंट 2047 एक रोड मैप होगा कि छत्तीसगढ़ को आगे हम कैसे बढ़ाएं। उसके लिए पक्ष विपक्ष सभी लोगों के अच्छे थॉट्स को हम इंक्लूड करते हुए, समाज के, इंटेलेक्चुअल्स के, मीडिया के, सभी के अच्छे थॉट्स को इंक्लूड करते हुए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इन विषयों को आज सदन में हमने रखा।